हेलो एवरीवन, आई एम मिसेस रमा पालीवाल। आज की वीडियो में हम समझेंगे अपोजिट वर्ड्स। और अपोजिट वर्ड्स में आपको करूँ, इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल सुनो और जानो को सब्सक्राइब कर दीजिए, हाथों हाथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना तथा हो सके तो कॉमेंट भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम करने जा रहे हैं अपोजिट वर्ड्स। बच्चों, अपोजिट वर्ड्स को हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द का मतलब है उल्टे शब्द। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन पर है कम। कम का अपोजिट होगा गो। कम गो। बिफोर आफ्टर। बिफोर आफ्टर। टॉल शॉर्ट। टॉल शॉर्ट। डे नाइट। डे नाइट। गुड बैड। गुड बैड। वेट ड्राई। वेट ड्राई। लाफ क्राई। Laugh, cry, strong, weak, sit, stand, pass, fail, next है, black, white, sweet, sour, sweet, sour. Love, hate, clean, dirty, bright, dull, intelligent, stupid, hard, soft, fat, thin, kind, cruel, rich, poor. चलिए बच्चों, अब मैं एक बार आपको ये अपोजिट वर्ड्स फिर से करवाऊंगी और अब की बार मैं आपको इनका हिंदी में मतलब भी बताऊंगी। ध्यान से सुनना है। कम का मतलब है आना, वो मतलब जाना, बिफोर का मतलब है पहले, आफ्टर का मतलब है बाद में, टॉल का मतलब है लंबा, शॉर्ट का मतलब है छोटा, डे का अर्थ है दिन, नाइट का अर्थ है रात, गुड का मीनिंग है अच्छा, बैड का मीनिंग है बुरा, वेट का मतलब है गीला, ड्राई का मतलब है सूखा, लाफ का मतलब है हंसना, क्राई का मतलब है रोना चिल्लाना, स्ट्रॉन्ग का मतलब है मजबूत ताकतवर, वीक का मतलब है कमजोर, सिट का मतलब है बैठना, स्टैंड का मतलब है खड़े होना, पास का मतलब है पास सफल होना, फेल का मतलब है फेल, पास मतलब उत्तीर्ण, फेल मतलब अनुत्तीर्ण, ब्लैक का मतलब है काला, व्हाइट का मतलब है सफेद, स्वीट का मतलब है मीठा, सोर का मतलब है खट्टा, लव का मतलब है प्यार प्रेम, हेट का मतलब है नफरत घृणा, क्लीन का मतलब है साफ, डर्टी का मतलब है मैला गंदा, ब्राइट का मतलब है चमकदार चमकता हुआ, डल का मतलब है फीका, इंटेलिजेंट का मतलब है होशियार, स्टूपिड का मतलब है बेवकूफ मूर्ख, हार्ड का मतलब है कठोर, सॉफ्ट का मतलब है मुलायम कोमल, फैट का मतलब है मोटा, थिन का मतलब है पतला, काइंड का मतलब है दयालु, क्रूअल का मतलब है निर्दयी जिसमें दया ना हो, रिच का मतलब है अमीर, पुअर का मतलब है गरीब। तो बच्चों, ये थे अपोजिट वर्ड्स और मैंने आपको इनके हिंदी में भी मतलब समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गए होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु जी।